हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस SOL सॉल्यूशन मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ सो गई इस आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एस में एम का कोर्स कर रहे हैं यानी मास्टर ऑफ़ पोलिटिकल साइंस कर रहे हैं और उन सभी के एग्ज़ाम्स की जो डेट शीट है वो इग्नू की ओर से फाइनलाइज कर दी गई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करा दीजिए सो so गाइस आपसे भी की ऑन डिमांड पर वीडियोस हाजिर है हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आपको उसको किस तरीके से लिखना है एक प्रॉपर मैनर में विथ नोट्स के साथ सो so गाइज़ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से उसमें ज्वाइन हो सकते हैं इसके साथ साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर इस तरीके से शेयर कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को आज का जो ये टॉपिक है हम लोकतंत्र के बारे में बात करने वाले हैं ये आपकी बुक जो है एम पी एस ज़ीरो वन यानी एम पी एस सी वन भी बोलते हैं इसको और साथ ही साथ ये, ये यूनिट टू जो इकाई सेकेंड है चैप्टर नंबर सेकेंड है उसका फर्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट वीडियो है क्योंकि आप सभी को पता है आपके टॉपिक्स में बहुत सारे ऐसे ऐसे सब पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप अपने टॉपिक्स को तैयार कर रहे हैं तो जो जो टॉपिक्स हम आपको बताएंगे आप सिर्फ उन्हीं के एग्जाम्स की तैयारी करिए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में लोकतंत्र से रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर बनता है तो आप लोगों को सबसे पहले लोकतंत्र को डिफाइन करना होगा आज की इस नई वीडियो में हम कंप्लीटली पहले यही बात करेंगे कि लोकतंत्र क्या है क्या नहीं है लोकतंत्र का इतिहास क्या है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हम आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए सन उन्नीस में लोकतंत्र के 2500 साल यानी 2500 जो वर्ष है वो पूरे हो गए और इस वजह से पूरे विश्व में क्या है लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र 2500 साल तक विश्व में रहा है इसके लिए उत्साहपूर्वक मनाया गया था अगर हम देखे जाएं तो आधुनिक समय में जो हमारे आज के समय में इन प्रेजेंट टाइम में जो लोकतंत्र है इन प्रेजेंट टाइम में जो डेमोक्रेसी है और जो पहले प्राचीन काल में यूनान में जो लोकतंत्र था उसमें हमें कुछ डिफरेंस दिखाई देता है और ये जो कुछ डिफरेंस है ये थोड़ा सा ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अगर हम प्राचीन काल के यूनान के अंदर जो लोकतंत्र स्थित था उस समय की अगर हम बात करें अगर आपको पता होना चाहिए प्राचीन जो यूनान था उसके दो नगर थे एक था एथेंस और दूसरा था स्पाटा तो एथेंस की यहाँ पर हम बात करेंगे एथेंस में पहले जो लोकतंत्र था उसके अंदर सिंपली ये था कि भाई अगर कोई भी फैसला लिया जाता था तो वो सामूहिक सभा के रूप में लिया जाता था वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग आते थे अपना मतदान करते थे और उस हिसाब से फैसले आदर्श रूप में स्वीकार कर लिए जाते थे परंतु आज के समय में कहानी थोड़ी सी अलग हो चुकी है आज क्या होता है आज भी लोकतंत्र ही है परंतु जनसंख्या के बढ़ने से और साथ ही साथ में हम ये कह सकते हैं कि भाई प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका को सुनिश्चित नहीं कर सकता बहुत सारे काम होते हैं और हर एक व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं पाए जाते कि वो शासन प्रबंधन बहुत अच्छी तरीके से चला सके इसीलिए हम ऐसे कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं जो हमारे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं हम ऐसे ही आधुनिक लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई लोकतंत्र जो है इस शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो ऊपर भी नाम मैंने आप सभी के लिए लिख दिया था लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं और जो ये डेमोक्रेसी शब्द है खुद ग्रीक भाषा यानी ग्रीक भाषा का एक मूल शब्द है उसी से निकला है अगर हम देखें तो ये जो डेमोक्रेसी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है पहला अगर हम देखें तो डेमो डेमोस जिसका अर्थ होता है प्रजा ध्यान से समझना है कि भाई जो डेमोक्रेसी है लोकतंत्र है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक में अगर हम देखें तो जो लोकतंत्र है डेमोक्रेसी ये दो शब्दों से मिलकर बना है पहला डेमोस और दूसरा क्रेटिस यानी क्रेटिया भी कई जगह पर इस शब्द को आप देखेंगे कई अलग अलग बुक्स में तो डेमोस जो शब्द है इसका मतलब होता है प्रजा और जो क्रेटिया है इस शब्द का मतलब होता है शासन अगर हम दोनों शब्दों को जोड़कर पढ़ें तो हमें पता चलता है कि भाई जनता का या प्रजा का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है अब हम बात करेंगे आगे कि भाई ये जो शब्दार्थ है अगर लोकतंत्र की बात करें तो इसका हमारे सामने सिंपल सा मैनर में या सिंपल वे में ये अर्थ निकल जाता है ऐसा शासन जहाँ पर प्रजा का शासन जहाँ प्रजा या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या करती है शासन प्रबंधन में अपनी भागीदारी निभाती है अपनी जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करती है चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो अगली बात करते हैं कि भाई प्राचीन और आधुनिक लोकतंत्र में मुख्य अंतर उस समय के ढंग से है क्योंकि मैंने आपको बताया था एक चीज़ तो कि प्राचीन काल में यह होता था कि एक जगह पर सभी लोग एकत्रित हो जाते थे और वहां पर सब अपनी अपनी जो भी राय होती थी वो देते थे और उसके बाद में बहुसंख्यक के आधार पर फैसले लिए जाते थे दूसरी बात प्राचीन लोकतंत्र में एक कमी यह भी थी कि वहां पर जो राइट्स थे वोटिंग करने का या फिर अपना समर्थन देने का वो हर किसी को नहीं था कुछ ऐसी तीन श्रेणी थी जिसको हमने बताया है जिन्हें उस समय भागीदारी निभाने का मौका नहीं मिलता था जैसे एक दास थे दूसरी स्त्रियां थी और तीसरी बात करें तो जिसे बोलते हैं मैक्टिस मैक्टिस मतलब वे लोग जो विदेशी होते हैं और शहर में बेसिकली वो दो काम के लिए ही आते हैं या तो वो व्यापार करने के लिए आते हैं या फिर वो किसी काम की वजह से यहाँ पर आते हैं तो ऐसे लोगों को उसमें कोई भी भूमिका नहीं मिलती थी और इस तरीके से देखें तो एक यानी एक चौथाई हिस्सा ही था हमारे समाज का जो इसमें पार्टिसिपेशन करता था इसके साथ साथ अगर हम बात करें लोकतंत्र के इतिहास की क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम में आता है कि भाई लोकतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताइए यानी आधुनिक समय में जो हमारा लोकतंत्र है वो किस प्रकार विकसित हुआ यही आप लोगों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है आपके पेपर में लोकतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों को समझ जाना है ये चीज आप लोगों को यहाँ से लिखनी पड़ेगी इसके अलावा एक क्वेश्चन अलग से बनता है इसी लोकतंत्र पे एक तो प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र है और दूसरा लोकतंत्र है क्रियात्मक लोकतंत्र है तो उसके बारे में अलग से हम बात करेंगे यहाँ पर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई आधुनिक समय में जो लोकतंत्र हमारा विकसित हुआ है क्योंकि आप सबको पता है एक तो प्राचीन लोकतंत्र था उसके बाद में हमने बहुत सारे लंबे वर्षों तक में हमने निरंकुश राजतंत्र देखा और इसके बाद में ही आगे चल के लोगों के कुछ अधिकार लोगों को धीरे धीरे मिलने शुरू हुए और इसके बाद ही लोकतंत्र कायम किया जा सका तो इसके अगर हम परिणाम देखें तो भाई एक तो लोकतंत्र उत्पन्न होने के तीन परिणाम हो सकते हैं सबसे पहला वैचारिक लोगों के विचारों में परिवर्तन आया दूसरी बात लोगों के सामाजिक परिवर्तन के कारण और तीसरी बात है लोगों के आर्थिक परिवर्तन के कारण ही आधुनिक लोकतंत्र उत्पन्न हो पाया है इस परिणाम में जो तीनों इन प्रकार के परिवर्तन है वो सबसे पहले ब्रिटेन में देखे गए आपको ध्यान से समझना है बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं पहले अमेरिका को लिख देते हैं परंतु ब्रिटेन में सबसे पहले ये परिणाम देखे गया क्यों देखे गया क्योंकि ब्रिटेन में हुआ था वहाँ पर औद्योगिक क्रांति और जैसे ही वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ पर बहुत सारे आर्थिक परिवर्तन आए और आर्थिक परिवर्तन जो आने के बाद में वहाँ पर लोगों का रहन सहन समाज और वहाँ की जो वैचारिक स्थिति थी उसमें भी परिवर्तन आया इसके बाद में अगर हम बात करें ब्रिटेन के बाद में अगला अगर कोई देश बनता है तो वो फ्रांस और फिर आपका अमेरिका है यहाँ पर आगे एक कदम और बढ़ता है इन देशों में ये राजनीतिक क्रांतियाँ थी इन देशों में पहले तो जो ब्रिटेन में हुई वो आर्थिक क्रांति के कारण थी परंतु जो फ्रांस में और जो अमेरिका में हुआ लोकतंत्र स्थापित करने के लिए वो एक राजनीतिक क्रांति का ही हिस्सा माना जाता है ब्रिटेन की बात करेंगे अब तो हम डीप से तो भाई ब्रिटेन में सर्वप्रथम आप सबको पता है आधुनिक लोकतांत्रिक देश अगर किसी को माना जाता है आधुनिक समय में तो ब्रिटेन को माना जाता है अब आप बोलोगे वो कैसे क्योंकि वहाँ पर तो फिर राजतंत्र आप कहते हो सर वहाँ तो राजतंत्र है वहाँ राजतंत्र है परंतु आधुनिक समय में लोकतांत्रिक लक्षण अगर हम बात करें सब प्रथम किस देश में उभरे तो वो क्या थे ब्रिटेन में ही थे और वो कब हुए सत्रवें शताब्दी में जब अमेरिका एक तरीके से उस समय आज़ाद भी नहीं हुआ था उसी समय जब ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में वहाँ पर गृह युद्ध हुए और इसके बाद में गृह युद्ध के बाद में वहाँ की जो निरंकुश सत्ता थी वो समाप्त हो गई और इसके बाद में शक्ति जो है वो क्राउन के हाथों में से निकल गई और उसके बाद में कहाँ चलेगी शक्ति पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में वहाँ पर कितने सदन होते हैं तो वहाँ पर दो सदन होते हैं जिसमें से एक है हाउस ऑफ कॉमन जिसे आम जनता निर्वाचित करती है आपको ये ध्यान रखना है हालांकि 1948 में सार भौमिक व्यस्क मताधिकार प्राप्त हो गया कब लोगों को कब मिला वहाँ पर वोटिंग राइट सभी लोगों को कब प्राप्त हुआ 1948 में क्योंकि उससे पहले वहाँ पर सभी लोगों को वोटिंग राइट प्राप्त नहीं था सिर्फ पुरुषों को ही और एक खास चुनिंदा जो बुजुर्ग वर्ग होते थे अमीर वर्ग थे सिर्फ़ उन लोगों को ही वहाँ पर वोटिंग राइट्स प्राप्त हुआ था इसके बाद में आगे बढ़ते हैं फ्रांस की बात करेंगे जो राजनीतिक क्रांति है तो आप सबने नाइन्थ क्लास में छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि भाई फ्रांस में एक क्रांति हुई थी जिसे हम बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद में वहाँ पर आधुनिक लोकतंत्र धीरे धीरे सूत्रपात हुआ बड़ा सबसे पहले इस फ्रांसीसी क्रांति में समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों की मांग हुई थी लोगों को जब समानता मिली स्वतंत्रता मिली तो धीरे धीरे सरकार लिबरल थिंकिंग की होने लगी और इसके बाद में लोगों को वहाँ पर लोकतांत्रिक अधिकार राजनीतिक अधिकार मिलने शुरू हो गए और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1871 करना है आपको 1871 में क्रांतिकारियों के बाद में वहाँ पर धीरे धीरे सबसे पहले पुरुषों को वहाँ पर मताधिकार मिले ये 1871 सेवेंटी वन करना है आपको ये डेट ध्यान रखना है एटीन सेवनटी वन और यहाँ पर जो है फ्रांस में भी महिलाओं को वोटिंग राइट की बात करें तो वो कब मिले 1946 में फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ आज हम बात करते हैं अब हम अमेरिका की तो भाई अमेरिका आप सभी को पता है कि अमेरिका भी गृह युद्ध के बाद ही आज़ाद हुआ और वहां पर लोकतंत्र धीरे धीरे फिर जब स्टार्ट भी हुआ था तो सिर्फ श्वेत लोग यानी जो गोरे लोग थे सिर्फ उनको ही वोट देने का अधिकार था महिलाएं और अश्वेत लोगों को नहीं था और ये आगे चल के इसी प्रकार से जो अधिकार है वो महिलाओं को भी और अश्वेत लोगों को आगे चल के बीसवीं शताब्दी तक भी नहीं मिले और इसके बाद में आगे चल के उनको प्राप्त हुए थे तो ये थी लोकतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो तीन देश मुख्य रूप से माने जाते हैं आई होप आप लोगों को इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी अगर आप लोग अपने एग्जाम्स की कर रहे हैं तैयारी तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर चलेगा इस मिलते हम आपसे अपनी अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत